यार मेरा कहां दिन जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके दूसरी सुबह तक, रात तक, बस मैं आपके बारे में, आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से वीडियो लेक्चर्स मैनेज किए जाए, बच्चों तक कैसे जाए, बच्चों को कैसे बताए कि हम चालू कर दिए वाले और आपको अटेंड करना है, ये सारे थिंकिंग में मेरा पूरा दिन जा रहा है। कल ही बात करते समय वाइफ बोल रही थी, यार छुट्टियां है आपको, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। मुझे आप मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोगों को एंजॉयमेंट की डेफिनेशन लोग करते क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंजॉयमेंट? एंजॉयमेंट इज दैट वेयर यू थिंक द पॉजिटिव, वेयर यू फील द बेटर देन अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इज योर एंजॉयमेंट। आप जहां जाते हो वहां इतना अच्छा फील कर रहे हो, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर अच्छे फीलिंग्स आ रहे हैं, अच्छे मजा आ रही है, तो दैट इज एंजॉयमेंट। और मुझे आपसे बात करने में, आपको पढ़ाने में ज्यादा मजा आती है, तब जाके मुझे अच्छा लगता है। एक दिन भी अगर लेक्चर नहीं होना, कल मेरा इतना डिस्म्यूट हो गया, मेरा मोबाइल ने मुझसे धोखा दिया, अब क्या करेगा? बंदा बोलता होगा ना, सर इसके पहले तो कभी इतना यूज नहीं किए, अभी तो बस सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कर रहे हो, वही मोबाइल की वजह से तो सारा हो रहा है। तो और एक बात जानबूझ के करना चाहूंगा, कल एक दो तीन स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, और सर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, पूरा दिन क्या सिर्फ पढ़ाई करे या क्या करे। देखो बच्चों, हर एक चीज लाइफ में जो आती है, ठीक है, ध्यान से सुनो, गिरी सर क्या कहना चाहते, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इंस्पायर यू, व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर, एंड एट दैट मोमेंट इफ आई ट्राई टू इंस्पायर यू, देर मे बी द पॉसिबिलिटी टू फॉल मच मोर डिप्रेशन। व्हाई? बिकॉज सम वर्ड्स मे इंस्पायर्ड पीपल, बट दैट इंस्पायरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच द आवर साइकोलॉजी, आवर विल पावर विल एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एक्साइटेड स्टेट, बट देर इज अनादर वन थिंग्स, नो एनी वन कैन स्टे एट द एक्साइटेड स्टेट, यू नो बेटर, ऑल ऑफ यू आर द केमिस्ट्री स्टूडेंट, नो एनी वन कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द एक्साइटेड स्टेट, सो डेफिनेटली दे फॉल ऑन द ग्राउंड स्टेट, एंड इफ दैट फॉलिंग that particular people whenever comes from excited to ground state, then they may get demotivated. So how to inspire yourself, how to inspire myself? So there is a one most important thing, if you want to inspired, then you should know how the inspired, which words inspired you, and these words should be come from yourself, not from the other surrounding. Now there is another thing, sir, that particular question may be arise in your mind. Sir, your words inspired us, your stories inspired us, your motivational speech inspired us. I know better, but that work is a temporary work. You inspired, but the inspiration is temporary. So how will inspired permanently? That is the much more biggest issue. Bahut bada issue hai wo. How to inspire permanently? The answer is to meri baat. How to inspire permanently? And I guarantee, just one word, if you use your life, if one word, if you use in your life, then you are always, forever and permanently, in any situations, in any critical conditions, you get inspired like me. Like me. क्यों? देखो बात को सुनो, कल की मोमेंट में आपसे बोल रहा था, मेरी वाइफ बोल रहे थे, यार आप इतने बिजी क्यों रहते हो? The world, the word busy, if you busy, no, there is no need to inspire you. If you busy, there is no external motivation required to inspire you.
if you busy, there is no any kinds of the depression, any kinds of the suppression, any kinds of the demotivation affect on you. If you busy, मुझे एक बार मेरे दोस्त ने पूछा था कि तेरे मतलब उसका कहना था कि तू इतना इंस्पायर्ड क्यों रहता है। और चलो एक वर्ड में मतलब हम ऐसे दोस्त बैठे थे, अच्छे सारे बहुत इंस्पायर्ड पीपल थे, सारे वो बहुत ही एक्टिवेटेड पीपल थे मेरे दोस्त। तो हमने एक बार ऐसे जस्ट गेट टुगेदर था, तो वहां पे डिस्कशन चला कि गिरी तो ऐसा करता है वैसा करता है, मैंने उनके बात में वो मेरी बात, हम बस ऐसा डिस्कस कर रहे थे। उसी में एक मेरे दोस्त ने पूछा, बोले अगर आपको बोलना ही है, सारे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो उन्होंने भी मुझसे बात करते समय एक सब्जेक्ट निकल चुका कि एक वर्ड में कोई बता सकता है क्या फॉरएवर इंस्पायर्ड कैसे रहना है। तो बस उस वक्त मेरा आंसर था बिजी। देखो ऑल ऑफ यू आर विद गिरीश सर, एंड गिरीश सर इज एन अ पर्सन, not an, is the person, should always busy। जो लोग नींद में काम करते हैं, जो लोग नींद में काम करते हैं उन्हें कोई काम थकाता नहीं, उन्हें कोई काम परेशान नहीं करता, और उन्हें कोई काम तकलीफ भी नहीं देता। देखो जीते जागते तो सारी दुनिया काम करते है, आपके माइंड को इतना काम दो कि वो बंदा सोने के बाद, आप सोने के बाद भी वही काम करते रहे। वही काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ रहे हो मुझे क्या कहना है, कहना क्या है समझ रहे हो, कहना क्या है, ऑलवेज बिजी रहो, खत्म। सिंपल सी बात है, अगर आप बिजी नहीं रहते हो, अगर आप बिजी नहीं रहते तो आप टीवी देखते हो, टीवी देखते हो तो टीवी के सारे न्यूज आपको परेशान करने के लिए आ जाते हैं, कोरोना से इतनी डेथ हो गई, इतने लोगों को कोरोना हो गया, ये मर गया वो मर गया, यार मरने के बाद अगर माइंड में आते रहेंगे तो दिल तो डर जाएगा ना भाई, मैं कब मर सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो। अगर हर एक न्यूज आ रही है मर रहे मर रहे मर रहे, तो मरने के ख्वाब आएंगे। समझो मेरी बात को, ठीक है। पढ़ने के ख्वाब क्यों नहीं आ रहे, पढ़ नहीं रहे हो, सुन रहे हो मरने की बातें, कोरोना की बातें देख रहे हो, मरने की बातें कोरोना की बातें, ठीक है, बातें कर रहे हो कोरोना, बातें कर रहे हो डिप्रेशन वाले, बातें कर रहे हो टेंशन वाले, बातें कर रहे हो एग्जाम होगी या नहीं होगी, इन सारे चीजों के वजह से आप में क्या अराइज हो रहा है, निगेटिविटी अराइज हो रही है। तो एक वर्ड देखो, सारी दुनिया को भी अगर आप पूछते हो तो हर इंसान एक घंटे तक आपको बताएगा हाउ टू इंस्पायर, मैं सिर्फ एक सेकंड में बता सकता हूं, बिजी रहो, खत्म। बिजी रहो, इतना बिजी रहो कि माइंड भी बोलना चाहिए यार थोड़ा रिलैक्स करना मुझे, बंदे को काम देते रहो बंदा खुश रहेगा, काम नहीं रहा तो टेंशन आता है, पापा को पूछो अभी घर पे बैठ के कितना टेंशन आ रहा है, फुल फाइटिंग मम्मी के साथ, तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मैं आपको एक बात बोलू, सबको काम करने वाले अच्छे लगते हैं, सबको काम करने वाले अच्छे लगते हैं, सबको काम अच्छा लगता है, किसी को इंसान अच्छा नहीं लगता मेरे भाइयों, समझे, दिल में बिठा लो, जन्नत की बातें कर रहा हूं, हुनर है जज्बा है तभी तो आपको समझा रहा हूं, कोशिशें लाख कर लो, ए दुनिया मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि जीतना तो मैं दुनिया के साथ नहीं खुद के साथ करना चाहता हूं, और जब हम खुद के लिए जीतना चाहते हैं तो हार जीत दुनिया बताने वाली कौन है, समझ रहे मेरी बातों को। तो क्या करना है, दर्द छोड़ दो यार, ये सारे लम्हे वो सारी दर्द भरी रातें वो छोड़ दो, सारी वो दर्द भरे दिन वो एग्जाम बिग्जाम, क्या करना है, जस्ट बिजी,
how to get inspired? Busy raho. How to get motivate? Busy raho. How to get happy? Busy raho. खुश कैसे रहना? बिजी रहो। अब एक लास्ट मोमेंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जानबूझ के, ठीक है, ये तो काम पड़ना है, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, एक ही बात मुझे बताओ, आप जिस दिन आपको जो चाहिए वो काम अगर आप करते हो तो पूरा दिन खुशहाली में जाता है, पर जिस दिन कोई काम आप करना चाहते हो पर कर नहीं कर पाते हो तो देख लो आपका पूरा दिन गंदा, बेकार, कमबख्त। आप गिरी सर की बात एक वर्ड में, हाउ टू गेट इंस्पायर्ड, राइट करके बताओ, बिजी रहना है, टाइप करो हाउ टू गेट इंस्पायर्ड, ऑलवेज बिजी, हाउ टू गेट मोटिवेट परमानेंटली, बिजी रहो।